नमस्कार साथियों, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर सडा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए जॉब अपडेट में आप लोगों को यहां पे एक अच्छी न्यूज़ है। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट मैं अपने ऑडियंस को कवर कर देता हूं। तो यहां पे देखिएगा, एक प्रकार से OLIC 2023 का रिक्रूटमेंट है। 108 पोस्ट है AE और JE पोस्ट के लिए। तो बेसिकली उड़ीसा वाला के लिए, उड़ीसा लिफ्ट इरीगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। तो गाइस, इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ इंजीनियर अड्डा पे बने रहिएगा और आपको हर तरह की संभव जानकारी आप लोगों को। देखो, एप्लीकेशन हमारा शुरू हो जाएगा 11 अप्रैल से, लास्ट डेट 10 मई है। रिजल्ट और एग्ज़ाम कब होगा वो सब बाद में बताया जाएगा। वैकेंसी का बाइफर्केशन अगर सिविल में देखा जाए तो टोटल 44 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का। इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है, मैकेनिकल में 4 पोस्ट है। तो असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 52 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर में भी हमारा 11 पोस्ट है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में 5, मैकेनिकल में 8। तो टोटल हमारा JE का 24 पोस्ट है। बट आपको भी पता है, उड़ीसा का जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है बेसिकली डेडिकेटेड टू उड़ीसा ऑडियंस। तो अदर स्टेट के लोग इस वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं, और कोशिश करना यार कि मैक्सिमम लोग वीडियो को लाइक करें, है ना, सो दैट कि हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले आपके सपोर्ट का, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, और भी हमारे पास हैं बट हमारे काम का नहीं है। तो इसमें एज लिमिट की बात किया जाए तो मिनिमम देखो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट हमारा मिनिमम असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 21 है, मैक्सिमम 18 साल है। तो ये हमारा एज लिमिट की बात अगर यहाँ पे कर लिया जाए। फिर उसके बाद और भी यहाँ पे सारे पॉइंट है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाई 5 ईयर। देखो, जो SC और ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, वो हमारा एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसमें आपको देखो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में सिविल से आपका BTech होना चाहिए, और फिर डिग्री इन मैकेनिकल में मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का, बाकी जो JE की पोस्ट में रिस्पेक्टेड ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशंस। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट हैव पासेस द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फादर, मतलब परसुइंग एस्पिरेंट्स कैन नॉट बी अप्लाई। जो भी हमारी डिग्री आपकी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, कैंडिडेट मस्ट हैव पास, चलो वो तो क्लर्क के लिए हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा और वाइस रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। द मैनेजमेंट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल मार्क्स शैल बी सेलेक्टेड द नेम ऑफ द सुटेबल फॉर द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये आपको प्रोसेस रहने वाला है। एप्लीकेशन की फीस 500 रुपया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको भी पता है, कैंडिडेट मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव मिडिल पास्ट। देखो, यही एक सबसे बड़ा लिमिटेशन आ जाता है कि अदर स्टेट के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा का, उड़ीसा से आपको 10th एज ए रीजनल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते, बट ये है कि उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, राइट। तो ये है, बाकी तो हाउ टू अप्लाई आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा आज का एक अच्छी न्यूज़, मॉर्निंग मोटिवेशन। देखो, अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन तभी कर पाओगे ना, करोगे ना, जब आपके पास जॉब ऑप्शंस हो गए। तो जितने भी जॉब ऑप्शंस आप लोगों के बीच में आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस, एंड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फर्दर जानकारी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आप प्लीज़ अड्डा 247 की एप्लीकेशन पे या ऐप पे ज़रूर विजिट करिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच के महापैक को, या आप महापैक लेते हैं तो इसमें आपको ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को कवर करा दिया जाएगा। देख सकते हैं, डबल वैलिडिटी अभी भी चल रही है, आज शायद 2-3 बजे तक रहेगी। उसके पहले सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक में एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि ये महापैक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। इस तरह का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 3100 रुपये में अराउंड मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है महापैक के सारे ब्रांच का, डायरेक्ट रेफरल कोड यूज कर लेना ज़रूर। आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच के हिसाब से, मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल सेम कोड सभी ब्रांच में एप्लीकेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी कोड से जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे मिल जाएगा डिस्काउंट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। Y201 लिख लो सब लोग, ज्वाइन करते समय यही कोड लगाना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी RK सर का कोड है, तो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे मेंटरशिप में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे।
ठीक है। तो ये रहा आज का एक अपडेट, तो थैंक यू। ये चीज आपको डबल वैलिडिटी में इसका बैच आरआरबी एसएस तमाम तरह के बैचेस टेस्ट सीरीज ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। और भी ऐसे फर्दर जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए, पीछे दिख रहा है आरआरबी, बहुत जल्दी अपडेट दूंगा अगर आएगा तो। थैंक यू।